आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से सी में रैंडम नंबर्स जनरेट किए जाएं और रैंडम नंबर जनरेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि हम रैंडम नंबर जनरेट करें यूजिंग रेंड फंक्शन, एस रेंड, और हम टाइम फंक्शन को भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट मेथड देखते हैं कि हम किस तरह से रैंडम नंबर्स को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाइड मेन। वाइड मेन लिखने के बाद हमने स्क्रीन रेज किया सीएलआर एससीआर फंक्शन से और एक प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन दे दी। प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है प्रिंट एफ परसेंट एल यू, लॉन्ग अनसाइंड के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंट एल यू, और उसके बाद हमने जस्ट रेंड फंक्शन को कॉल कर लिया। जो रेंड फंक्शन है इसकी जो हेडर फाइल है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये एसटीडी लिब हेडर फाइल है उसमें मौजूद है। तो हम इस रेंड फंक्शन को यूज करके रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमने गेट सी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए दिया एंड फाइनली प्रोग्राम एग्जिट। तो यानी इस वक्त जो रैंडम नंबर जनरेट करें हम जस्ट एक प्रिंट एफ कमांड दे रहे हैं और इसमें हम रेंड फंक्शन यूज करें उसकी मदद से हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखें 346 346 ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अब दोबारा अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखें सेम वही नंबर जनरेट हो रहा है, और इसको थर्ड टाइम रन करेंगे फिर भी सेम नंबर आ रहा है। तो एक दफ़ा हमें रैंडम नंबर तो मिल गया लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर दफ़ा नया नया रैंडम नंबर जनरेट हो। तो उसके लिए एक तो ये तरीका होता है कि आप फंक्शन यूज़ करें एस रेंड। तो अगर हम एस रेंड यूज़ करते हैं तो इसमें पैरामीटर में आप कोई भी रैंडम इंटीजर दे सकते हैं। ये एस रेंड बेसिकली है क्या, सीड वैल्यू है रैंडम नंबर जनरेटर्स के लिए। तो रैंडम नंबर जनरेटर्स की जो अल्गोरिथम है बैकएंड पे जो काम कर रही है उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो फर्स्ट इनपुट हम दे रहे हैं उसको हम सीड वैल्यू कहते हैं, और ये सीड वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं ताकि रैंडम नंबर जनरेटर जो है वो इनिशियलाइज हो सके किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। और अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस दफ़ा देखें 1731 1731 नंबर आ गया, लेकिन जब हम इसको सेम सीड वैल्यू से दोबारा रन करेंगे तो दोबारा सेम नंबर आएगा। यानी हर दफ़ा हमें सीड वैल्यू चेंज करना होगी तब जाके हमें नया नंबर मिलेगा। तो हम जब सीड वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो देखें अब 2077 हमें नंबर मिला, तो दोबारा हमें सीड वैल्यू चेंज करना होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा एक यूनिक सीड वैल्यू चाहिए हमें। अब यूनिक सीड वैल्यू हमेशा हम किस तरह से प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट हम दे रहे हैं फिक्स नंबर दे रहे हैं उसके बजाय हम कोई फंक्शन यूज़ करें या कोई ऐसा मैकेनिज्म दें कि हर दफ़ा यहाँ यूनिक वैल्यू आए। तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं टाइम। तो टाइम जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ सेकेंड्स फ्रॉम 1 जनवरी 1970 से, और इसकी जो हेडर फाइल है वो है टाइम डॉट एच। तो टाइम फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद है, टाइम डॉट एच हेडर फाइल में। तो आइए अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं और ये हमने रन किया तो देखें 11089 ये रिटर्न हुआ। अब दोबारा रन करके देखते हैं तो 14899। तो अब अगर आप देखें तो हर दफ़ा एक आपको नया नंबर मिल रहा है। उसका रीज़न ये कि जो टाइम फंक्शन है वो हमेशा आपके सेकंड्स बदलते रहते हैं 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक। तो हर एक सेकंड के बाद एक नई वैल्यू जनरेट हो रही है टाइम फंक्शन से और वो हम एज ए इनपुट दे रहे हैं एस रेंड फंक्शन को। तो हमेशा एक नई सीड वैल्यू मिल रही है एस रेंड फंक्शन को, तो इसलिए हमें एक नया रेंडम नंबर मिल रहा है रेंड फंक्शन से। तो आपने ये देखा कि हमेशा अब एक नया रेंडम नंबर जनरेट हो रहा है। अब अगर आप एक से ज़्यादा रेंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, आए काउंटर वेरिएबल के तौर पे हम यूज़ करेंगे, और जितने आपको नंबर्स चाहिए रेंडम तो आप फॉर लूप चलाएं आई इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल हमें 10 रैंडम नंबर्स चाहिए तो हमने लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। तो अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये लूप में हम दे चुके हैं प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन, तो 10 दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस मिस कर चुके हैं तो ये पैरेंथेसिस हमने प्रोवाइड कर दी। तो अब यहाँ पे देखिए लूप चल रहा है 1 से लेकर 10 तक, तो यानी 10 टाइम्स ये लूप चलेगा और हर आइट्रेशन के बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं रैंडम फंक्शन को, हमने डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, और तो यहाँ हम बैकस्लैश एन दे देते हैं ताकि हर नंबर नई लाइन पे डिस्प्ले हो। अब आइए रन करके देखते हैं तो ये देखें आपको डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं, एक सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज में आप नंबर्स प्रिंट करें तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप रेंज जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है उसको मॉडुलस डिवीजन करें। सपोज आप चाहते हैं 0 से 100 के दरमियान 10 नंबर्स प्रिंट हो तो आप यहाँ पे मॉडुलस डिवीजन के बाद 100 लिख दें। तो यहाँ एक और हम चेंज भी करेंगे, परसेंट एल यू को हटा के परसेंट डी लिखेंगे क्योंकि हम 0 से लेकर 99 के दरमियान 10 रैंडम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं
तो ये देखिए 17, 43, 6, 5, 4, 61, तो आपके पास ये 10 रेंडम नंबर आ गए जो बिटवीन है 0 और 99। अगर आप चाहते हैं कि 0 से 49 तक हमें कोई नंबर्स प्रिंट करने, तो यह हम लिख देंगे 50। और आइए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए अब जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 0 से 49 के दरमियान है। अगर आप इस रेंज को और कम करना चाहें तो हमने यहाँ 20 दे दिया और रन करके देखा, तो अब जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 0 और 19 के दरमियान आ रहे हैं। तो इस तरह से आप रेंज भी सेट कर सकते हैं। अब इन रेंडम नंबर्स को यूज़ करके हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। मसलन आप एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो लकी ड्रॉ का काम करे, यानी एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें फर्स्ट टिकट नंबर और लास्ट टिकट नंबर इनपुट लिया जाए और नंबर ऑफ जो आपको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने वो इनपुट लिया जाए यूजर से, और आपका प्रोग्राम रेंडमली लकी विनर्स चूज करके दे बिटवीन गिवन रेंज। तो उसमें आपको एक ख्याल रखना होगा कि आपको डुप्लीकेट रेंडम नंबर्स को अवॉइड करना है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग रेंडम नंबर्स। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारी अपकमिंग वीडियोस में हम लकी ड्रॉ का प्रोग्राम भी बनाएंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।